हेलो व्यूवर्स, आज हम होली के स्पेशल अवसर पर गुजिया बनाने जा रहे हैं, जो कि होली पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई है अपने आप में। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको शेयर करती हूँ। मैंने 2 बाउल मैदा लिया हुआ है और ये मैंने नारियल का बुरादा लिया हुआ है 100 ग्राम, और ये मैंने सूजी ली हुई है। ये देखिए, मैंने 2 बाउल अगर जो मैदा लिया है तो मैंने आधा बाउल सूजी ली हुई है, और ये मैंने चीनी ली हुई है, देसी खांड बोलते हैं इसको, आप चीनी भी यूज कर सकते हो मिक्सी में क्रश करके चीनी को। ये मैंने 100 ग्राम ली हुई है, ये भी। ये मैंने लिया हुआ है 300 ग्राम मावा लिया हुआ है। इसको हम गैस पर थोड़ा भून लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी गुजिया काफी दिन तक स्टेबल रहे। 10-15 दिन तक इजीली हम उस गुजिया को रख सकते हैं। और ये मैंने देसी घी लिया हुआ है, 4 चम्मच देसी घी लिया हुआ है। और ये मैंने 50 ग्राम बादाम लिए हुए हैं, और 50 ग्राम ही किशमिश ली हुई है, और 50 ग्राम ही काजू लिए हुए हैं, और मैंने 10-15 इलायची को पीस कर पाउडर बनाया हुआ है। मैंने इसको चीनी डाली थी ताकि अच्छे से पीस जाए इलायची, तो चीनी भी थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही होगी आपको, तो मैंने वो पीसने के लिए थोड़ी डाली थी। तो चलिए, अब हम पहले सबसे इसका डो तैयार करेंगे। मैदा और सूजी और घी डालकर देसी इसको अच्छे से बना लेंगे, और इन सब चीजों को हम क्रश करेंगे। जो ये है बादाम और काजू को क्रश करेंगे, और मावे को हम भून लेंगे, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। चलिए सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे। जो हमने अब ये सूजी ली हुई है उसको भी बीच में मिला लेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गूंथना है, ताकि अच्छा डो तैयार होए, नहीं तो ये ज्यादा ढीला हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, ना तो ये ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ज्यादा नरम ही होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए, जैसा हम आटा बनाते हैं रोटी का, उससे थोड़ा सा ज्यादा। इस तरह का हमारा डो तैयार होना चाहिए, ना तो ज्यादा नरम ना ज्यादा सख्त, देखिए किस तरह का। अभी ये इसमें सूजी भी डाली हुई है हमने थोड़ा, और ये सख्त हो जाएगा हल्का, तो इसी तरह का होना चाहिए। देखिए, इसको हम अभी 15-20 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो चलिए, इतने हम अपने मावे को भून लेते हैं गैस पर। इसको हमें धीमी आंच पर ही चलाना है। इसको हमें 4-5 मिनट के लिए भूनना है धीमी आंच पर। तो अब हम इस तरह से इसको भून लेंगे, और ये भून चुका है, मैंने इसको 4-5 मिनट भून लिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डालेंगे, और नारियल का बुरादा और जो हमने चीनी ली हुई है देसी खांड वो भी इसमें ऐड करके इसको तैयार कर लेंगे फिलिंग को। ये मावा भून के ठंडा करके डाल लिया है बाउल में। अब हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, और ये हमारा जो हमने चीनी ली हुई है देसी खांड वो ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हो। मीठा जिसको ज्यादा खाना है वो थोड़ा ज्यादा डाल सकता है। उसके आफ्टर मैंने ये काजू क्रश कर लिए थे अच्छे से, तो ये भी डाल दूंगी अभी। अब हम इसको ऐड कर लेंगे सबको, और उसके सबसे लास्ट में हम ये अभी पहले इलायची पाउडर डाल के उसके लास्ट में डालेंगे किशमिश सबसे, ताकि हमारी किशमिश साबुती रहेगी और इसमें टूटेगी नहीं।
इसको सारा मिला लिया है देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें किशमिश डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये देखिए सारा अच्छे से मावा सारी जगह मिल जाना चाहिए, नहीं तो मावा एक साइड हो जाता है और टेस्ट नहीं आता। इसको अच्छे से मिलाइए तभी उसका टेस्ट बढ़िया आता है। देखिए इकट्ठा हो जाता है ना मावा, उसको हमें ऐसे मिलाना पड़ता है। अभी हम इसमें किशमिश डाल लेंगे और इसको हल्के हाथ से मिला लेंगे ताकि हमारी किशमिश सब जगह मिक्स हो जाए नीचे। तो हम इसको इस तरह से पूरी की तरह बेल लेंगे। सारी तरफ से बेल लेंगे और वैसे भी अगर जो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मोल्ड में ये कट जाएगा। मोल्ड है अगर जो तो हाँ, अगर जो आपको हाथ से बनाना है तो बिल्कुल गोल ही बनाना होगा, फिर तो अच्छा तभी लगता है। हाँ मोल्ड से तो बनाना है तो कोई डरने की बात नहीं, जैसा मर्जी आप बना सकते हो। तो अब हम इसको मोल्ड में सेट करेंगे। देखिए इस तरह से, और इसमें हम फिलिंग डालेंगे। दो चम्मच से ज्यादा मत डालिएगा वो, फिर नहीं तो खुल जाएगा, ये गुजिया हमारी खुल जाएगी अदरवाइज। डेढ़ दो चम्मच से ज्यादा मत डालिए। अब इसको हम सेट कर लेंगे। पानी के हाथ लगा के, और अब इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए, और एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे। ये हमारा काम आ जाएगा दूसरी बार पेड़ी बनाने में। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सब बना लेंगे। हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके आफ्टर हम स्लो कर लेंगे। ये हमें धीमी ही आंच पे पकाना है इनको। देखिए अब हम इसको डाल लेंगे। हमारा ठीक है, मतलब ऑयल ठीक आया हुआ है, इस तरह का ही ऑयल होना चाहिए। अब हम सारी इस तरह से डाल लेंगे अपनी भुजिया को। जितनी इसमें इजीली आए उतनी ही डालिए, नहीं तो खुल जाएंगी ये। तो अब हम एक दो मिनट ऐसे ही पकने देंगे स्लो आंच पर। देखिए ये फूल भी रही हैं और ये बहुत बढ़िया बन रही हैं, फ्लफी फ्लफी। देखिए तो देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हो कितनी ब्राउनिश और कितनी अच्छी है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में भी उतनी अच्छी है। तो आप इसे फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिए होली पर, क्योंकि यही होली की स्पेशल रेसिपी तो यही है डिश। तो आप इसको जरूर बनाइए और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।